बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब दुबई में इंडिया से सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है। तो वहां पे मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ और वहां पे मुझे बहुत अच्छी मेरी कमाई होती है। और बस प्रॉपर्टी मैंने ले ली है। डेफिनेटली रोज जिम में जाऊंगी, रोज आप लोग आ जाओ, मेरा काला चेहरा विदाउट मेकअप ले लो, तुम लोग रोज आते हो। मुझे देश भर से इतनी गालियां मिलती है कि ये ऐसी क्यों दिखती है। अब आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ बताओ, लग रही हो ना? हाँ, क्योंकि आप लोग शूटिंग पे आए हो। तो देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि ये पैक्स है ना, मुझे शूटिंग के बाहर विदाउट मेकअप मिलते हैं। इसलिए अभी शूटिंग पे आप जाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे? नॉर्मल दिखेंगे ना, जैसे घर में होते। अब स्विमिंग पूल में आप तैरने जाएंगे, साड़ी पहन के तो नहीं तैरेंगे ना? नहीं, साड़ी ऊपर आ जाएगी, नहीं आएगी। तो वैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम स्विमिंग पूल में पहना जाता है, जिम के कपड़े जिम में पहने जाते हैं, शूटिंग पे शूटिंग के कपड़े पहने जाते हैं, है ना गाइज? तो मुझे जज करना बंद करो। या आई डोंट थिंक सो, मेरे को हेटर्स है, मेरे हिटर्स हो सकते हैं, मेरे हेटर्स नहीं हो सकते। मैं लोगों को गर्म करती हूँ, ठंडा करना मेरा काम नहीं है। आपको समझ में आया क्या? सारा क्या मर्लिन खोपड़ा और उर्फी ही थोड़ी सारा क्रेडिट ले जाएगी, ये मेरे चेले हैं, मेरी चेलियां हैं ये। मुझे बहुत अच्छा लगा, और उर्फी यहाँ फैन लगा के आई थी, दो एक फैन नीचे भी लगा ली थी, ये बड़ा अच्छा लगा। वेरी इनोवेटिव, वेरी आइकॉनिक उर्फी, स्टाइलिश है, मुझे अच्छा लगता है। रोज एक नया ड्रेस बनाती है। मैं तुम्हें नहीं बताऊं, मैं अलग अलग आऊंगी ना। आज का ही मेरा, मैं एक्चुअली यहाँ पे आई हूँ, मेरा नायका जो प्रोडक्ट है वो उसको लॉन्च करने आई हूँ, एक नया प्रोडक्ट, और उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आके। और जो लोग मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं उनको धन्यवाद, नमस्कार। जितना आप मेरा बुरा बोलेंगे उतनी मैं आगे बढ़ूंगी, जितना आप मेरा बुरा करेंगे मैं उतनी आगे बढ़ूंगी। और आप मुझे देख रहे, पहले से बैठक नहीं लग रही मैं? अंबानी की बेटी की शादी में भी तो जा रही हूँ मैं, सोचो। अब रिहाना को इस बार नहीं बुला रहे, इस बार राखी सावंत को बुला रहे। क्या आप लोग खुश नहीं है छोटू? इसको ले जाना साहब, नहीं घाघरा यही पकड़ेगा। सो इस बार मैं आप लोगों को डेफिनेटली बुलाऊंगी कि मैं राधिका अंबानी की शादी में मैं क्या पहनने वाली हूँ, है ना? फाइनली मैंने गुहार लगाई थी अंबानी जी को, उन्होंने मुझे फाइनली बुला लिया है। मुझे पूरे वर्ल्ड ने कहा कि आपको क्यों नहीं बुलाया।